नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में 1 जुलाई को महिलाओं के लिए विशेष सौगात मिली है। पीड़ित शोषित महिलाओं के लिए यहां 1 जुलाई से महिला थाना शुरू हो गया है। इसका उद्घाटन सीधी सिंगरौली की सांसद रीति पाठक ने किया है। देर ही सही, लेकिन सिंगरौली जिले को अपना खुद का महिला थाना मिल गया है। असल में सिंगरौली जिला 12 साल पहले बना था, लेकिन यहाँ पर महिलाओं को अपनी शिकायत करने के लिए उनका खुद का थाना नहीं था। लंबे इंतजार के बाद यहाँ महिला थाना कल से शुरू हो गया है। महिला थाना न होने की वजह से यहाँ पीड़ित महिलाएं दूसरे थानों के चक्कर लगाने को मजबूर थी, लेकिन अब महिला थाना खुल जाने की वजह से महिलाएं खुलकर महिला थाना प्रभारी के बीच अपनी समस्याएं रख सकती हैं। सीधी सिंगरौली सांसद रीति पाठक ने भी अपने जन्मदिन के अवसर पर रिबन काटकर थाने का उद्घाटन किया। सांसद ने खुद यह कहा कि महिला थाना खोलने में थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ है, लेकिन अब यहाँ पीड़ित व शोषित महिलाओं को न्याय की बेहतर व्यवस्था मिलेगी। प्रदेश में महिला अपराध रोकने की बात भले ही होती है, लेकिन आए दिन महिला अपराध की खबरें भी सामने आती हैं। ऐसे में थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराने वाली महिलाओं की बात को कभी कभी अनसुना भी कर दिया जाता है। सिंगरौली जिले में महिला थाना खुलने से महिलाएं अपनी साथ हुए अत्याचार की शिकायत कर सकती हैं और उन्हें उचित न्याय मिल सकता है। निश्चित रूप से विलम्ब हुआ, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब पीछे की तरफ ना सोचते हुए आगे की व्यवस्थाओं को कितना हम सुदृढ़ कर सकते हैं और अपने पूरे समूह के साथ, चाहे वो हमारा पुलिस प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो, हमारा पूरा पुलिस प्रशासन का मोहतमा हो, या हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि, सबको सामूहिक इसमें काम करना पड़ेगा और जिस इस थाने का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को परिणित कराने का प्रयास करना। पुलिस बल की कमी है, संसाधनों की कमी है, लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ सिंगरौली जिले के पुलिस प्रशासन को कि सीमित संसाधनों में भी बेहतर काम किया है। आपने देखा है, आप ही लोग के माध्यम से हमें कई सारी जानकारियां मिली हैं कि चाहे वो तस्करी की बात हो, गांजे की बात हो, अपराध को उनके प्रकरणों को निराकरण करने की बात हो, जैसे 364 महिला प्रकरण संबंधी जो वो थे अपराध थे, महिला अपराध संबंधी जो प्रकरण थे उनको निराकरण करने का जो प्रयास किया है 80% के रूप में, ये बड़ी बात है। अब मैं चाहती हूँ कि ये 0 में आए, 100% यहाँ पर निराकरण हो और आपका सहयोग, खासकर हमारे मीडिया के बंधुओं का सहयोग लगातार मिलता रहे और हमारे लिए जहाँ पर जैसी व्यवस्थाएं हमारे लिए अपेक्षित है आपके माध्यम से हमें जानकारी मिलती रहे तुरंत।